स्नोमैन है कहते उसको रेला, ये भी रेला। ये देख सकते हैं आप रेला वाटरफॉल कितना बड़ा है। रेनबो सेवन चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी नमस्कार। स्नोमैन या जो स्नो पॉइंट आपको स्टार्टिंग के अंदर दिखाया उसका डिटेल वीडियो चाहते हैं हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। और जो ये लोकेशन हम दिखा रहे हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ऊपर से ऐसा लग रहा है कि हम गूगल मैप देख रहे हैं लेकिन एक्चुअली यदि आप देखना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, इस लोकेशन को देखने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप मेरी बात मानते हो तो मैं आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहूँगा, यदि आपको उचित लगे तो सपोर्ट कीजिएगा। यानी जब भी आप पैकेज बनाएं, पैकेज लेने का विचार करें तो एक दिन एक्स्ट्रा ज़रूर लेके आए। उसमें आप यहाँ के जो वन डे ट्रैक हैं उसको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। मैंने जितने भी मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अनुसार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं फॉरेनर की बात करूँ, वो हिमाचल आते हैं तो वो भीड़ भाड़ से दूर रहते हैं और वो ट्रैकिंग करते हैं, चाहे वन डे ट्रैक हो या सेवन डे ट्रैक करते हो या हाइकिंग करते हैं या कैंपिंग करते हैं, और जो प्रकृति के निकट रहना पसंद करते हैं, भीड़ भाड़ से वो दूर रहना पसंद करते हैं, कम से कम एक ट्रैक ज़रूर आप शामिल कीजिएगा। और हमारे टीम मेंबर क्या कह रहे हैं पहले उनको सुनिए। ये देख सकते हैं आप, हम अभी भटकंडा में हैं और ये देख सकते सामने जो दिख रहा है ये है देहुरी। बहुत अच्छी लोकेशन है और देहुरी से परे है इस पहाड़ी के पीछे सराहन और सराहन से ऊपर है सारी कंडा और ऊपर है राजथाटी जहाँ पे अभी बर्फ हो रही है वहाँ पे, उसके ऊपर बूंगा माँ है और बूंगा माँ से ऊपर थीणी टॉप है। और ये देख सकते आप स्नोफॉल हो रहा है सब जगह और उस साइड है सवा कंडा। और ये देख सकते आप ये है रैला भटकंडा। ये हमारे टीम मेंबर राजकुमार जी आपको जानकारी दे रहे थे। ये कुल्लू के अंदर सेंज वैली के नज़ारे की बात कर रहे थे और इनको 12 वर्ष का ट्रेकिंग का अनुभव है, इनके साथ आप ट्रेक कर सकते हैं। इस प्रकार की लोकेशन है, ये है भटकंडा, भटकंडा ट्रेक, और ये है स्टार्ट होता है रेला वाटरफॉल से और आपको हमने स्टार्ट में रेला वाटरफॉल दिखाया था और वह अस्थाई है, एक है स्थाई और एक है अस्थाई। जैसे ही पानी ज़्यादा जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसका पानी खोल दिया जाता है तो एक जो वाटरफॉल हम आपको दिखा रहे हैं स्टार्टिंग के अंदर, आगे भी दिखाएंगे, वो अस्थाई है और स्थाई वाला भी हमने दिखाया है। सभी की प्ले लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में देने का प्रयास करूँगा, उनको देखिएगा। पहले रेला वाटरफॉल देखिएगा और आगे एक विशेष जानकारी आपको दे रहा हूँ। ये भी रेला, ये देख सकते हैं आप रेला वाटरफॉल कितना बड़ा है, ये देख सकते हैं आप, इतना बड़ा वाटरफॉल शायद कहीं पे भी नहीं होगा, ओनली ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में मिलेगा इससे बड़ा वाटरफॉल। इस ट्रैक की एक अविस्मरणीय बात यह है कि इस ट्रैक के अंदर यहाँ जो पानी दिखाई दे रहा है वो पता नहीं कहाँ से आता है, ना तो कोई ग्लेशियर है, आप इसको देखिएगा और पानी आता रहता है और लास्ट तक आपको हम दिखाएंगे। और जो आपको वाटरफॉल दिखाया है ये हाइड्रो प्रोजेक्ट से बनता है और इसी के पास एक 12 महीना चलने वाला वाटरफॉल है, उसमें स्नान ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो ज़रा अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा और ट्रैक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं।